नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के हुमनाबाद में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस किसान विरोधी हैं, इसलिए राज्य में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब तक अलग अलग तरह की 91 गालियां दे चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो आम जनता की बात करता है, भ्रष्टाचार सामने लाता है। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में बेंगलुरु उत्तर में भी एक रोड शो करने जा रहे हैं। जब मैं 2018 में विजयपुरा आया था, अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और निहाल किदवई जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त, वहां से सीधा निहाल के पास चलते हैं। निहाल, जिस तरह से पीएम मोदी ने गालियों की बात उठाई है और कह रहे हैं कि इसका जवाब वोट से दिया जाएगा, क्या जो गाली या जिस तरह की बात वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, क्या उसका एक कांग्रेस के लिए बुरा असर होता नजर आ रहा है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी कहा, जिस अपशब्द का इस्तेमाल किया था, उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने माफी मांग ली। और कांग्रेस का ये कहना है कि ये मामला उन्होंने किस संदर्भ में कहा और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उसके दूसरे दिन फिर बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया हुई। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रतिक्रिया दी, आज प्रधानमंत्री इस बारे में उन्होंने खुद अपनी बात रखी है। तो अब देखना है कि जो लोग हैं यहाँ के वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और यहाँ बेंगलुरु में मैं इस वक्त नाइस रोड सर्कल पर हूँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने जा रहा है। देखिए, काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बेंगलुरु के उत्तर का ये इलाका है, यहाँ से शुरू होकर के जब कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति दाहिनी तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा रूट है जहाँ तक ये रोड शो जाएगा। और इस तरफ की दोनों तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जितनी भी ऊंची वाली बिल्डिंग है वहाँ पर पुलिसकर्मियों को, स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो दुकानें जो हैं आसपास की, वो दोपहर से ही बंद करा दी गई थी। तो जितनी भी यहाँ आसपास में दुकानें आप देखिए, सब सुरक्षा के मद्देनज़र उसको
बंद करवाया गया था। इस तरफ जो लोग आपको देख रहे हैं वो लोग इन मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, और इस तरफ जो लोग देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप देखिए। यहाँ से थोड़ी देर बाद ये रोड शो शुरू होने वाला है, और ठीक बाईं तरफ जो कैमरा पैन कर रहे हैं गोविंद मूर्ति, तब आप देखिए वहाँ पर वो जो पॉइंट है वहीं से शुरू होगा और फिर तकरीबन 5 किलोमीटर तक जाएगा। यहाँ बेंगलुरु शहर में कुल 28 सीटें हैं विधानसभा की। 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, 11 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें जेडीएस को मिली थी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस अपने टैली को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और ये उत्तर का इलाका है, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड इसको माना जाता है। और अब देखना है कि इस बार जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से लोग यहाँ पर उनके जो जितने भी नेता हैं, यहाँ देखिए पोस्टर पे जितने भी एमएलए के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उन सब की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। तो अब तकरीबन 9 उम्मीदवारों की तस्वीर है यहाँ पर बीजेपी के, और सबको उम्मीद है कि वो ज़रूर जीतेंगे। तो यहाँ पर लंबे रोड शो की तैयारी अपने अंतिम चरण में है, हर तरफ लाइटें लगाई गई हैं। देखिए दाहिनी तरफ कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरा को पैन करेंगे आपको दूर दूर तक लाइट दिखेंगी। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस पूरी जानकारी के लिए, आपके पास लौटते रहेंगे जैसे ही रोड शो शुरू होता है। रविवार को पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। बीजेपी ने कहा है कि मन की बात का 100वां एपिसोड कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। देश भर में करीब 4 लाख सेंटर में मन की बात का लाइव प्रसारण होगा। बीजेपी ने जानकारी दी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा जगहों पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय सांसद, विधायक, चुने गए जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह भी मन की बात के 100वें एपिसोड पर होने जा रहे खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के मुताबिक दुनिया भर में प्रवासी भारतीय भी मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनेंगे। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा इस पर और जानकारी दे रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम का 100वां अंक कल प्रसारित किया जाएगा सुबह 11 बजे, और इस तरह से जो एक बड़ी पहल पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी जनता तक पहुंचने की, वो एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करते हुए कल, और इसके लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। पूरे देश में 4 लाख केंद्रों पर कल मन की बात को सुना जाएगा, सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका प्रसारण जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद इसे सुनेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, ये तमाम नेता भी इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुनने जा रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि इस कार्यक्रम ने पीएम नरेंद्र मोदी को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में काफी मदद की है, और इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसमें कोई भी राजनीतिक बात इस पिछले 99 अंक में नहीं की गई है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से जो सामाजिक मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता के वो गुमनाम नायक जिनके कामों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, उनके कामों का जिक्र करके पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों के साथ उनको परिचय उनका करवाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये बीजेपी ने कल जो अपनी प्रेस रिलीज दी थी उसमें ये बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मन की बात जो है 51 भारतीय भाषाओं में प्रसारित होता है, 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण होता है, तो देश विदेश में भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है। इसके साथ ही IIM रोहतक की एक स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि 96% जो भारत की जनता है वो मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी है, 23 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नियमित तौर पर इसका जो प्रसारण है वो सुनते हैं, और 100 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। इसके साथ ही अन्य स्तरों पर भी कल के इस एपिसोड को यादगार बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय जो है आज देशभर के 11 जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, इसके सलाह स्थल हैं, जैसे कि लाल किला है या मोढेरा मंदिर है, इन तमाम जगहों पर आज एक विशेष प्रोजेक्शन
मन की बात को लेकर के किया जा रहा है। अमर चित्र कथा जो कि बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय है वो भी मन की बात को लेकर के 11 उसके जो है अलग अलग किताबें जो है उसको मन की बात के विभिन्न आयामों को बताते हुए वो प्रकाशित की जा रही है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं मन की बात की, और साथ ही एक वीडियो भी अभी आया है जिसमें पहली बार ये बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो हर महीने का एक कार्यक्रम होता है इसके लिए किस तरह से तैयारियां की जाती हैं, प्रधानमंत्री निवास पर किस तरह से एक स्टूडियो बनाया गया है जहाँ पर कि पीएम हर महीने ये बात करते हैं। आपको बताएं कि मन की बात जो है कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा वो भी इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ जुड़े थे। इसके साथ साथ पीएम मोदी देश के अन्य जो विभिन्न बड़ी हस्तियां हैं उन्हें भी मन की बात में जोड़ चुके हैं। और जैसा हमने कहा कि कई ऐसे लोग जो जिनके बारे में जिनकी उपलब्धियों के बारे में लोग नहीं जानते उनको भी पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए घर घर तक पहुंचाया है। तो उस लिहाज से ये एक बड़ा कार्यक्रम है। और रेडियो जो कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से हम जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया के इस दौर में रेडियो कहीं पीछे छूट गया था, एक बार फिर से रेडियो को लोगों के बीच में ले जाने में भी मन की बात ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम माना जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में अब नेता भी पहुंचने लगे हैं। आज सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मुलाकात की। वहीं दोपहर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर कहा कि आखिर क्यों बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि ये लड़कियां देश का गौरव हैं और इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा कि उनके धरने का राजनीतिकरण न किया जाए। इससे पहले कल देर रात भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आखिरकार दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज कर दी हैं। पहली FIR गैर जमानती पॉक्सो एक्ट में और दूसरी छेड़खानी के मामले में दर्ज की गई। पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर वो आदमी उसी पद पे है जहाँ सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से। अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे, हम सबके बच्चे हैं। भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं, इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना, हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपनी मेहनत से। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए इनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। बृजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रख दें कि विदेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सब का ट्रायल हुआ था, और विनेश सब ओलंपिक में गई थी। अब जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बस मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, ये
खिलाड़ियों का आंदोलन है, भारत की बेटियों को बचाने का न्याय दिलाने का आंदोलन है, इसको दूसरी दिशा ना दे, इसको किसी राजनीतिक प्रदर्शन से ना जोड़े। और जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने पर रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में लगातार जो नेता हैं सियासी वो पहुंच रहे हैं। आज सुबह प्रियंका गांधी तकरीबन 8:30 बजे धरना दे रहे पहलवानों से मिली और शाम के वक्त अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर मिलने पहुंचे। लगातार पहलवानों से मिल भी रहे हैं और यहां से भाषण भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ये शर्म की बात है कि इस तरीके के जो पहलवान हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीता उनको सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपनी शिकायतों को लेकर। अभी तक फिलहाल पहलवानों का धरना चल रहा है, अभी जो तेवर है पहलवानों के उससे नहीं लग रहा है कि ये धरना इतनी जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि पहलवानों की ये डिमांड है कि FIR तो दर्ज हो चुकी है, FIR की कॉपी भी उनको मिल चुकी है, लेकिन उनका ये कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, साथ में ये भी कहना है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर उनको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को भी उनसे लिया जाए। ये प्रमुख जो मांग है वो यही है उनकी। अभी तक खेल मंत्रालय और धरना दे रहे पहलवानों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उनका बयान जरूर आया था शुक्रवार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 12 घंटे उन्होंने बैठक की, पहलवानों की जो भी शिकायत है उसको सुना गया, लेकिन जो पहलवान हैं उनका ये आरोप है कि वो इन 3 महीनों के दौरान, क्योंकि 3 महीना पहले भी ये लोग जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, तो उनका कहना है कि 3 महीने के बीच में उन्होंने PT ऊषा से लेकर अनुराग ठाकुर दोनों लोगों से संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने उनका मोबाइल फ़ोन नहीं उठाया। निश्चित तौर पर PT ऊषा ने भी बयान दिया है कि ये खेल के लिए अच्छा नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। तो अब इस मामले का क्या हल निकलता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो डेडलॉग है ये नहीं टूट रहा है। सरकार और इन धरना दे रहे खिलाड़ियों के बीच में अभी तक बातचीत भी नहीं हुई है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आ गया है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो धरना लोग दे रहे हैं पहलवान ये राजनीति से प्रेरित हैं और इसके पीछे एक बड़े बिजनेसमैन और कांग्रेस का हाथ है। तो अब देखना है कि आखिर ये धरना कैसे खत्म होता है। फिलहाल जंतर मंतर पर धरना लगातार चल रहा है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के इस धरने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये पहलवानों का नहीं बल्कि साजिशकर्ताओं का धरना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एक उद्योगपति इस पूरी साजिश के पीछे हैं और खिलाड़ियों की मांग लगातार बदलती रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक ही परिवार 12 साल से मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा है, एक ही अखाड़ा और एक ही परिवार मेरे खिलाफ क्यों है। उन्होंने फिर दोहराया कि मैं निर्दोष हूं और मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और जो भी जांच होगी उसमें पूरा सहयोग करूंगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं, एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है और कांग्रेस का हाथ है, सुन बोला था और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, FIR दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्या जरूरत है पप्पू यादव को बुलाने की, क्या जरूरत है केजरीवाल को बुलाने की, क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है? जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा, ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। बेंगलुरु उत्तर का ये इलाका है और जहां पर 20 से ज्यादा सीटें हैं और यहीं पर पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है। 2 दिन के दौरे पर हैं कर्नाटक में पीएम मोदी और आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे सड़क के किनारे लोग जो हैं वो खड़े हैं, वहां से फूल फेंके जा रहे हैं
इसके पहले रैली हुई थी उसमें पीएम ने सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा था, कहा था उन्होंने मुझे 91 गालियां दी हैं और इसका जवाब जनता वोटों से देगी, और ये उस बयान के जवाब में है जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गलतफहमी हुई है समझने में, माफी मांगी थी उसे लेकर, लेकिन उसको भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, चाहे जितने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आज खुद पीएम ने भी ये बात कही है कुछ देर पहले अपनी रैली में, और अब बेंगलुरु उत्तर में ये रैली शुरू हो चुकी है पीएम मोदी की, खड़े हैं और उन पर उनकी वर्षा कर नजर आ रहे हैं जी। यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, तो ये तस्वीरें सीधी बेंगलुरु से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बेंगलुरु में पीएम मोदी का जो रोड शो है वो अब शुरू हो चुका है। रोड शो में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंगलुरु उत्तर का इलाका है और काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं पीएम को देखने के लिए। रैलियों के बाद यहाँ पर पीएम आए हैं, 2 दिन का कर्नाटक दौरा है चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, और यहाँ पर पीएम चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सभी पार्टियां फिलहाल पूरा जोर लगा रही हैं कर्नाटक में और काफी कांटे की टक्कर वहां पर लग रही है। इस वक्त ये रोड शो जो शुरू हुआ है, करीब 5 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है, और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काफी संख्या में वहां पर लोग जुटे हैं। ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद हैं रोड शो में। दो दिन के कर्नाटक दौरे पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, और ये जो सारी तस्वीरें हैं वो बेंगलुरु उत्तर की तस्वीरें हैं जहां पर रोड शो हो रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि जो वहां पर रैलियां की थी पीएम ने, उसमें कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। तरह से कर्नाटक में जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम उसने किया है बीते वर्षों में, और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और एक तरह से कहा कांग्रेस पार्टी की जो प्राथमिकता है वो कभी विकास की नहीं रही है। और जिस तरह से हाल ही में जो एक बयान आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर, उसका बिना नाम लिए जिक्र किए करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सूची उन्हें सौंपी गई जिसमें 91 से ज्यादा बार उन्हें गालियां दी गई हैं, और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर इतनी मेहनत पार्टी के लिए की होती और गुड गवर्नेंस के लिए की होती तो आज उनकी हालत नहीं होती। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात का अपने अंदाज में जवाब भी दिया, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था उस बात का जिक्र किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है बेंगलुरु उत्तर का जहां पर पीएम मोदी का रोड शो अब शुरू हो चुका है, 3 कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पर कवर हो रहे हैं, यशवंतपुर है, दासरहली है और आरआर नगर है। निहाल किदवई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। निहाल, रोड शो में अच्छी खासी, जैसे आप पहले भी बता रहे थे, सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ नजर आ रही है। जहाँ काफी लंबी तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर बेंगलुरु के नाइट रोड, वो नाइट रोड जो कि मैसूर की तरफ जाता है, वहां से ये शुरू हुआ, और ये सुमनहल्ली
यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है वहाँ पे खत्म होगा। दोनों ही तरफ काफी भीड़ थी, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। ये जो इलाका है बीजेपी का ये गढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ पे उनके मोदी जी को देखने के लिए कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे, देर से पूरे परिवार के साथ आए थे, देर से यहाँ पर खड़े हुए थे और सबों की कोशिश थी कि एक झलक देखे। यहाँ पर काफी फूल भी उन पर बरसाए गए और अब से तकरीबन सही समय पर जो रोड शो का जो समय था उसी वक्त रोड शो यहाँ पर शुरू हुआ। यहाँ तो आपको बता दूं कि हालांकि ये भी ओल्ड मैसूरू रीजन का ही इलाका है लेकिन यहाँ की जो 28 सीटें हैं बेंगलुरु शहर की उसको ओल्ड मैसूरू रीजन के 61 सीटों से अलग रखते हैं। अगर दोनों को मिलाएंगे तो तकरीबन 89 सीटें होती हैं लेकिन यहाँ जो बेंगलुरु शहर की सीटें हैं, यहाँ बेंगलुरु शहर में पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया तो वहाँ 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 11 सीटों पर बीजेपी ने और 2 सीटें जेडीएस को मिली थी। लेकिन बाद में जब 2019 में जोर तोड़ हुआ था, कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे तो फिर बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया था। इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीते। जेडीएस भी चाहती है कि 30-35 सीट जीते तो किंग मेकर की भूमिका निभा पाएगी, इसलिए जेडीएस भी पूरी में जोर आजमाइश कर रही है और कांग्रेस भी अपनी तरफ से यहाँ पर हर संभव प्रयत्न यहाँ पर कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। तो ये बेंगलुरु शहर जो अर्बन इलाका है वहाँ के वोटर से नॉर्थ बेंगलुरु में बीजेपी की पकड़ भी अच्छी रही है। तो अब देखना है कि जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे फिर और बताना चाहूंगा उसमें जो हार जीत का जो फासला था इस बेंगलुरु शहर में सीटों पर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, खास करके उत्तर बेंगलुरु में अगर आप देखें तो 10 से 15 हजार वोटों के बीच का ही था। और ऐसे में एक उम्मीद सबों को है, कांग्रेस को लगता है कि अगर वो पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो शायद उनकी पकड़ बनी रहेगी। बीजेपी को लगता है कि अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो वो जीत जाएंगे। जेडीएस भी चाहती है कि 2 से कम 5-6 जितनी सीटें वो जीत सके वो जीते। तो हर तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। 10 तारीख को चुनाव है जैसा कि आपको पता ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बिल्कुल अपने तकरीबन तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही शुरू हुआ 6:25 के आसपास और उसके बाद वो चल रहा है अभी। और ये तकरीबन पांच किलोमीटर का ये फासला है और बताया जा रहा है कि लगभग 55 मिनट में यह खत्म होगा, अपने सुमन हल्ली पहुंच जाएगा जहां पर इसको खत्म होना है। रात में प्रधानमंत्री राजभवन में रुकेंगे और कल सुबह यहां से 60 किलोमीटर दूर कोलार में एक उनकी सभा है, उसके बाद मैसूरू में है और फिर रामनगरा में जो मैसूर के पास ही है, बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में है। तो इस तरह से कल भी 3 जनसभाएं हैं उनकी, जैसा कि पहले ही भी बता दिया गया था कि उसके प्रधानमंत्री एक के बाद एक तकरीबन 28 के आसपास सभाएं यहां करने वाले हैं अगले 6 से 8 दिनों में, तो वो प्रयास यहां पे चल रहा है। जी निहाल, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर लोग फूल वगैरह फेंक रहे हैं और 2 दिन का दौरा है ये कर्नाटक का पीएम मोदी का। इसके पहले हमने रैली में भी जो उन्होंने बातें कही वो भी हमने सुनी और इलाके में जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है, क्या ये पूरा जो उत्तर बेंगलुरु का जैसा आप बता रहे हैं कि अर्बन इलाका है, किस पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा है इस इलाके में? देखिए ये जो बेंगलुरु शहर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेंगलुरु शहर की जो 28 सीटें हैं शहरी इलाके की 28 सीटें हैं, ग्रामीण में 4 हैं लेकिन वो 4 ओल्ड मैसूरियन के साथ जोड़ दी जाती है तो हम 28 सीटों की बात करते हैं। तो ये जो 28 सीटें हैं उस पर 2018 के जो चुनाव हुए में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें जेडीएस के पास गई थी। अब इस बार जो जीत हार का जो फासला था ज्यादातर सीटों पर वो 10 से 15 हजार के बीच का था। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीतों और कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, क्योंकि एक तरफ बीजेपी को लगता है कि हो सकता है लिंगायतों वाला जो इलाका है उसमें कुछ सीटों का नुकसान होगा, वो भरपाई ओल्ड मैसूर रीजन से करना है, बेंगलुरु शहर से होनी चाहिए, उसकी कोशिश हो रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर जेडीएस स्ट्रांग हो गई और उसकी पकड़ बढ़ती है अगर ओल्ड मैसूर रीजन में तो
पिछले बार से इस बार अगर उसका परफॉर्मेंस कम होता है तो नॉर्थ कर्नाटक और बेंगलुरु शहर की जो 28 सीटें हैं उससे वो भरपाई करना चाहेंगे। और जेडीएस को भी लगता है कि वहां पर पिछले बार जो 61 सीटों में से जेडीएस ने 27 सीटें जीती थी तो उसको लगता है कि वहां पर भी उसको ग्राफ बढ़ाना है अपना से कम 35-40 तक पहुंचाएं। जेडीएस ओल्ड मैसूर रीजन में इतनी कोशिश कर रही है, साथ ही साथ अगर दो तीन सीटें दूसरी जगह से आ जाए तो बहुत अच्छा है। पिछली बार बेंगलुरु शहर से 2 सीटें उसको मिली थी, इस बार उनकी कोशिश है कम से कम 5 सीटें उनको मिल जाए, तो ये सारी कोशिशें भी यहाँ पर जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रोड शो 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा वो आगे बढ़ेगा। हम ये भी देख रहे थे निहाल, आज वैसे शनिवार है लेकिन एक लंबी चौड़ी एडवाइजरी भी वहां पर बेंगलुरु पुलिस की तरफ से जारी की गई थी कि कौन कौन से रोड्स अवॉइड करने हैं, और ये यहां पर जिस तरह से भीड़ जुटी हुई है देख के लग रहा है कि शायद सही एडवाइस था। और काफ़ी हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर जो लोग खड़े हैं वो फूल यहां पर फेंक रहे हैं। वैसे सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं निहाल। देखिए सबसे पहले तो ये बता दो कि नाइस सर्कल से लेकर के सोमना हल्ली जो 5 किलोमीटर का जो ये जो ट्रैक है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, यहाँ पर दोपहर से ही सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी दोनों ही तरफ, और उसके बाद जितनी भी ऊंची मंजिलें हैं वहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। 6 डीसीपी की यहाँ पर तैनाती की गई थी, और आप सोच लीजिए कि बेंगलुरु शहर में 10 एग्जीक्यूटिव डीसीपी होते हैं उसमें से 6 की तैनाती सिर्फ इस इलाके में 5 किलोमीटर इस दायरे में की गई ताकि किसी भी तरह का कोई सुरक्षा में कोई चूक न हो। और जितने भी हाई राइज बिल्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं, 2 मंजिले इससे भी ज्यादा की जितनी भी बिल्डिंग है सबकी छतों पर हमने देखा कि पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनकी लगातार उन पर नजर रखी जा रही थी। जो सीनियर अधिकारी हैं वो बार बार देख रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार हमने ये देखा कि 1-2 लोग जो फर्स्ट फ्लोर से अपने दरवाजा खोल के बाहर आ गए, फिर जो उनको फिर अंदर कर दिया गया, उनको कहा गया कि आप अंदर जाइए, सुरक्षा के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोमना हल्ली जहां पर ये रोड शो खत्म होगा वहां से राजभवन का जो फासला है वो तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास का है, 15 से 17 किलोमीटर है, और प्रधानमंत्री रोड के जरिए ही राजभवन जाएंगे। तो उस पूरे रोड को भी सैनिटाइज किया गया है और पूरे रोड में दोनों ही तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक ट्रैक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जब हम दोपहर में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे आ रहे थे तो पूरे तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी का वहां पर तामझाम था, पूरा इलाका कार्टन ऑफ कर दिया गया था। एसपीबी के लोगों को भी हमने देखा कि वो कई जगहों पर हमें दिखे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे वहां पर, और साथ ही साथ स्नाइपर और दूसरे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सब यहां पर हर जगह पूरे रोड पर हर जगह नजर रख रहे थे। इसलिए कि ये जो इलाका है ये काफी सघन आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर जितने कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर घर है, और ऐसे में इस मेन स्ट्रेच पे अगर इस तरह का रोड शो होता है तो थोड़ी सी भी सुरक्षा की चूक नुकसानदेह साबित हो सकती है, और इसीलिए सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए थे। और चूंकि रोड पहले से ही तय था इसलिए जगह जगह यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था, हम लोगों को भी काफी दूर रखा गया था जहाँ पर ये रोड शो हो रहा था उससे। निहाल आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए पीएम मोदी इस वक्त कर्नाटक में हैं, बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु उत्तर में पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी तस्वीरें रोड शो से देख रहे हैं, 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और ये पहला रोड शो है पीएम मोदी का जो कर्नाटक में वो कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी को आप यहां पर रोड शो में देख रहे हैं। इसके पहले हुमनाबाद में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस को किसान विरोधी बताया, इसलिए ये भी कहा कि राज्य में इसीलिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है।
कांग्रेस के नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि 91 गालियां दे चुके हैं अलग अलग प्रकार की, और ये उस बात के जवाब में था जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही थी और उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो ये रोड शो, पहला रोड शो कर्नाटक में पीएम मोदी का बेंगलुरु उत्तर में चल रहा है। सीधा निहाल किदवई का रुख करते हैं। निहाल, 28 सीटें हैं यहाँ पर और बिल्कुल अर्बन इलाका है, शहरी इलाका है, और पहला रोड शो यहीं पर करना, यहाँ पर बीजेपी ने, पीएम ने, उन्होंने इसका निर्णय किया। देखिए, ये जो 28 सीटें हैं ये ओल्ड मैसूर रीजन की शहरी इलाके की सीटें हैं और ये अहम है, इसलिए कि पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ था उसको बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत नजदीकी टक्कर था और इसलिए 4 सीटों का फासला था। 17-15 सीटें कांग्रेस जीतती है, 11 सीटें बीजेपी जीतती है और 2 सीटें जेडीएस। अब ऐसे में साफ है कि पिछली बार का ही जो चुनाव था इन्हीं हालात में हुआ था और उस वक्त काफी टकराव था दोनों पार्टियों के बीच में, बहुत नजदीकी था। ये जो रिजल्ट आए थे उसमें जो अंतर जो था हार जीत का वो बहुत ही कम था और ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं, बल्कि आप जेडीएस को भी देखिए, वो भी उसको भी जेडीएस की तरफ 6-7 सीटें ऐसी हैं खास करके दक्षिण में और ये उत्तर कर्नाटक के की जो दासरहली की सीट है कि जहां पर जेडीएस की पकड़ है, तो इन 6-7 सीटों में से ज्यादातर सीटें जीतने की कोशिश जेडीएस कर रही है, क्योंकि जेडीएस की चुनौती ये हो गई है कि ओल्ड मैसूरू रीजन की जो 61 सीटें हैं रूरल एरियाज की, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की दबिश वहां पर हुई है। बीजेपी ने भी अपना चुनावी अभियान वहीं से शुरू किया था, इस चुनाव के लिए अमित शाह वहां गए थे दिसंबर में, और फिर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी वो भी इसी ओल्ड मैसूर रीजन से, ज्यादातर इसी ओल्ड मैसूर रीजन में ही चली, वहीं से शुरू हुई और बाहर भी निकली। तो ऐसे सूरत में कांग्रेस और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ओल्ड मैसूर रीजन जो कि वो कलिगा का इलाका है, जो कि जेडीएस के दबदबे वाला इलाका है, यहाँ की 61 सीटों वहां पर अपनी बैठ बनाई जा सके, अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। जो 61 सीटें हैं उनमें से 27 सीटें जेडीएस ने जीती थी, 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और ऐसी सूरत में और 11-12 सीटें शायद बीजेपी के पास थी। ऐसी सूरत में इस बार कोशिश है बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी कि वहां पर अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व जो है उसको और सीटों पे बढ़ाया जाए, जहां पर क्लोज कंटेस्ट था वहां पर वो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें। ऐसे में अब जो दूसरा जो एक बड़ा चंक है वो 28 सीटों का, ये अर्बन शहरी, ये शहरी इलाके, शहरी बेंगलुरु शहर का, शहरी इलाके का जो 28 सीटें हैं इस पर अब सारा फोकस है। बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी और जेडीएस को लगता है कि तकरीबन जो 8 के आसपास सीटें हैं जहां पर उनका प्रेजेंस है मजबूत है, वो कलिगा बहुत ज्यादा है, खास करके दक्षिण बेंगलुरु में, आप पूर्व उत्तर बेंगलुरु में, पूर्व बेंगलुरु की 2 सीटें हैं, और ऐसी सूरत में जेडीएस भी कोशिश कर रही है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है अपना परफॉर्मेंस और बेहतर करने का, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी अपना अभियान शुरू किया है कर्नाटक में, देखिए तो पहले ही दिन वो यहाँ पर आए हैं। इस बार लिस्ट की जो घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद, उनका सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद जो पहली बार प्रधानमंत्री आए, तो पहले ही दिन वो बेंगलुरु भी आए। तो अब देखना है कि किस तरह से यहाँ पर और भी कई सारे नेता यहाँ आएंगे। आज ही यहाँ पर राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम है, तो बेंगलुरु पे सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं, क्योंकि 28 सीटें हैं शहरी इलाकों की सीटें हैं, और यहाँ पर पिछले बार जो, और यहाँ पर शहरी इलाकों में एक चीज देखा जाता है कि काफी जो जीत हार का फासला जो होता है ज्यादातर सीटों पर बहुत ही कम का होता है, और ऐसे में सभी पार्टियों की उम्मीद जो है वो बनी रहती है कि अगर थोड़ी मेहनत करे तो शायद और भी सीटें जीत सकते हैं, तो वो कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और ये 5 किलोमीटर का रोड शो है पीएम मोदी का, पहला रोड शो है कर्नाटक में, और ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिन में कम से कम 6 पब्लिक मीटिंग करेंगे और 2 रोड शो करेंगे, तो ये पहला रोड शो है जो कि बेंगलुरु उत्तर में हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।
मुंबई के पास भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक फैक्ट्री थी। पहली और दूसरी मंजिल पर कुछ परिवार रहते थे। मलबे में 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत 10 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। अब तक 9 लोगों को बचाया जा चुका है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। निकाले जा रहा है।